हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे थे NFA डिजाइनिंग। इससे पहले हम कई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम करेंगे दोस्तों NFA डिजाइनिंग में एंडिंग विद पैटर्न के ऊपर हम NFA मशीन बनाएंगे। तो दोस्तों, NFA मशीन के साथ साथ हम DFA मशीन भी बनाकर देखेंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिजाइन NFA ओवर एन अल्फाबेट स्ट्रिंग्स, यानी कि इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स ए बी होने वाले हैं, सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंडिंग विद BA। यानी कि दोस्तों, जो स्ट्रिंग BA से एंड होती हैं, उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट आपका NFA करना चाहिए। ऐसी हमें NFA की मशीन बनानी है, जो मशीन उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो स्ट्रिंग BA से एंड हो रही हैं। और दोस्तों, एंड BAB, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग किस तरह की होनी चाहिए, एंड में BA होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि BA हमें लास्ट में स्ट्रिंग के मिलना चाहिए, इस तरह की स्ट्रिंग्स को NFA एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए, इसकी स्ट्रिंग क्या बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले BA आएगा, उसके बाद BA से पहले A भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट में हमें BA चाहिए। उसके बाद BA से पहले B भी आ सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट में हमें BA मिल गया। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर तक ये स्ट्रिंग आपकी बन सकती है। दोस्तों, अब देखिए, इसके ऊपर हम पहले DFA बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे NFA। तो DFA बनाएंगे सबसे पहले जैसे कि मशीन बनाएंगे DFA। तो मशीन बनाने के लिए दोस्तों, हम सबसे छोटी स्ट्रिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी स्ट्रिंग में झंझट ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, DFA कैसे बनेगा इसका, BA का। तो BA सबसे छोटी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम DFA बनाएंगे। सबसे पहले Q0 स्टेट है। Q0 स्टेट पे अगर हम B सिंबल रीड करेंगे तो हम पहुँचेंगे Q1 स्टेट पर, और Q1 स्टेट पर अगर A सिंबल रीड करेंगे दोस्तों ये वाला, तो हम पहुँचेंगे Q2 स्टेट पर, और Q2 स्टेट आपकी फाइनल स्टेट यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पे हमें BA मिल चुका है और BA को यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करा दिया है फाइनल स्टेट के ज़रिए। अब इस मशीन को आगे बनाएंगे। देखिए, Q0 स्टेट पर अगर B मिलता है हमें तो ठीक है, Q1 पे जाते हैं, लेकिन अगर Q0 स्टेट पे हमें A मिल जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, A का मैं अगर यहाँ पे लूप लगा देता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा हमारी स्ट्रिंग में। यहाँ पे मिलेगा हमें A, फिर B, फिर उसके बाद A, और दोस्तों ये हो जाएगी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे लास्ट में हमें BA मिल रहा है, उससे पहले कुछ भी हो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिसीजन हमने सही लिया है, हमने आगे A का लूप लगा दिया, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद चलते हैं Q1 स्टेट पर, यहाँ पे A रीड करेंगे तो जाएंगे Q2 स्टेट पर। अगर यहाँ पे B सिंबल आता है तो दोस्तों उसका हम क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर B को मैं यहीं पे लूप लगा के रख देता हूँ तो क्या ये सही स्ट्रिंग मिलेगी हमें, यहाँ पे हमें मिलेगी BBA। देखिए, BBA, और लास्ट में दोस्तों हमें मिलने वाला है BBA। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पे हमें सही मिलेगी। तो B का हम यहाँ पे लूप इजीली लगा सकते हैं। अब बात आती है फाइनल स्टेट की, यहाँ पे अगर A आए और B आए तो उनको कहाँ पे पहुँचाना है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे A आए और उसको A को लूप लगा देता हूँ यहीं पे, तो हमें कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी। देखिए, हमें मिलेगा BA, उसके बाद फिर A। तो दोस्तों, यहाँ पे एंडिंग विद डबल A से हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत स्ट्रिंग यहाँ पे मिलेगी। तो A का हम यहाँ पे लूप नहीं लगाएंगे। तो A को हमें ऐसी जगह पे पहुँचाना है जहाँ से हम अगर सिंबल रीड करें तो हमें लास्ट में एंडिंग विद BA मिल जाए। तो A को ऐसी कौन सी जगह पे पहुँचाएं। दोस्तों देखिए, A को हमें पहुँचाना है, सबसे पहले A को अगर मैं इनिशियल स्टेट पर ले जाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, BA। देखिए, A मिलेगा, फिर B और A, और दोस्तों हमें लास्ट में BA यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये सही डिसीजन है, हम A को इनिशियल स्टेट पर ले गए। अब बात आती है दोस्तों B की, फाइनल स्टेट पर। अगर B को मैं यहीं पे लूप लगा देता हूँ तो क्या हमें स्ट्रिंग सही मिलेगी, हमें मिलेगी BAB, और कितनी भी बार B मिल सकता है क्योंकि लूप है। तो दोस्तों, यहाँ पे एंडिंग विद डबल B से हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पे गलत मिली। इसका मतलब B को हम यहाँ पे लूप नहीं लगाएंगे। B को हमें कहाँ पहुँचाना है जिससे कि हमें सही स्ट्रिंग मिल जाए। तो दोस्तों, B को अगर मैं इनिशियल स्टेट या Q1 स्टेट पर पहुँचा देता हूँ तो क्या मिलेगा। देखिए, यहाँ से मिलेगा B, फिर A, B और A, और दोस्तों ये तो हमें चाहिए था, इसके ऊपर तो मशीन में हम बना ही रहे थे, BA मिलना चाहिए। ये अपने आप में एंडिंग विद भी है और स्टार्टिंग विद भी है, तो यहाँ पे हमें सही स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो B को हम यहाँ पे पहुँचा देंगे।
तो दोस्तों ये तो था DFA, अब बनाते हैं NFA। NFA बहुत इजी होता है, उसमें हमें हर एक स्टेट पर रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है, उसमें हमें हर एक स्टेट पर ट्रांजैक्शन फंक्शन डिफाइन नहीं करना होता दोस्तों। जैसे कि इसका भी हम BA का ही मशीन बनाएंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेट पर अगर B मिला तो हम जाएंगे Q1 स्टेट पर, यहाँ पे B रीड किया, उसके बाद Q1 स्टेट पर अगर हमें A मिला, देखिए ये वाला, हम जाएंगे Q2 स्टेट पर, और दोस्तों ये यहाँ पे फाइनल होने वाली है। अब देखिए हमें एक बार मिल गया BA तो बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। NFA की प्रॉपर्टी यही कहती है दोस्तों, हमें स्ट्रिंग एक बार हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए बस, और बाकी ट्रांजेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए BA हमें मिल चुका है, BA से पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि BA से पहले अगर A आता है कितनी बार या B आता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमें BA मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ईजी होता है NFA, DFA के मुताबिक ये बहुत ही सिंपल होता है, इसीलिए हम NFA को बनाते हैं, मशीन को समझते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं DFA के अंदर। तो दोस्तों अब करते हैं इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, यानी कि एंडिंग विद पैटर्न में BA भी होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कंडीशन होगी, इसकी स्ट्रिंग भी सेम ऐसी ही बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के लास्ट में BA मिलना चाहिए, उससे पहले कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि लास्ट में हमें BA चाहिए। एंडिंग विद पैटर्न की मशीन में यहाँ पे लास्ट में BA जिस स्ट्रिंग के अंदर होगा उसी स्ट्रिंग को आपका NFA एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए इसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, सबसे पहले BA तो आएगा ही आएगा, उसके बाद BA से पहले AB हो सकता है, BA तो है उससे पहले A हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में BA चाहिए। BA से पहले BB हो सकता है कितनी भी बार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें लास्ट में BA चाहिए उससे पहले कुछ भी हो। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर तक ये स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी दोस्तों। अब बनाएंगे दोस्तों सबसे पहले हम DFA, और DFA को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद बनाएंगे NFA। DFA थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों, देखिए उसको बना के देखते हैं। DFA बनाएंगे, इससे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग पर हमें बनाना होता है मशीन। कोई भी मशीन बनाएं हम DFA NFA, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग को सिलेक्ट करते हैं उस पर मशीन बनाते हैं। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग है BA। तो दोस्तों इनिशियल स्टेट पर अगर हम B रीड करेंगे तो हम पहुंचेंगे Q1 स्टेट पर, ये वाला B, उसके बाद A। Q1 स्टेट पर अगर हम A रीड करेंगे तो हम जाएंगे Q2 स्टेट पर दोस्तों, और Q2 स्टेट पर B रीड करेंगे तो हम जाएंगे Q3 स्टेट पर, और ये होने वाली है यहाँ पे फाइनल। दोस्तों हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लिया है। अब देखिए एंडिंग विद पैटर्न की मशीन है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं Q0 स्टेट पर अगर B आया तो हम Q1 स्टेट पर पहुँचेंगे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर A आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो A को अगर हमें आप यहाँ पे लूप लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A, फिर उसके बाद BA, तो एंडिंग BA से हमारी मशीन हमें एंडिंग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी जो स्ट्रिंग BA से एंड होगी। यानी कि हमें स्ट्रिंग मिलने वाली है, A मिलेगा, उसके बाद BA, और दोस्तों इसमें लास्ट में BA आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पे इस मशीन में एक्सेप्ट होने वाली है, क्योंकि इसके लास्ट में हमें BA देखना है, उससे पहले कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। उसी तरह से अब चलते हैं Q1 स्टेट पर, Q1 स्टेट पर अगर A रीड करेंगे तो पहुँचेंगे Q2 स्टेट पर, और Q1 स्टेट पर अगर B सिंबल आपका आ जाता है दोस्तों तो हमें कहाँ जाना है, देखिए B पर अगर मैं यहीं पे लूप लगा देता हूँ तो क्या हमें कोई परेशानी होगी, सिंबल को रीड करके देख लेते हैं, हमें मिलेगा BBAB, देखिए BBAB, तो दोस्तों लास्ट में BAB हमें फिर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर B का लूप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं दोस्तों Q2 स्टेट पर, देखिए Q2 स्टेट पर अगर B आता तो हम जाते हैं फाइनल स्टेट पर, और Q2 स्टेट पर अगर A आ जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं A को भी इसी तरह से लूप लगा के देखता हूँ क्या ये सही रहेगा, देखिए हमें क्या मिलेगा BAAB, दोस्तों यहाँ पे डबल A B से स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे A का लूप हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये गलत है। तो दोस्तों A को हमें वहाँ पे पहुँचाना है जहाँ से अगर हम रीड करें तो हमें लास्ट में BAB मिलना चाहिए, तो देखते हैं इसको कैसे होगा। अगर मैं यहाँ A को इनिशियल स्टेट पे पहुँचा देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A B A B, A मिला फिर BAB, दोस्तों BAB से हमें एंडिंग विद मिलने वाला है, इसका मतलब ये डिसीजन भी इसका सही है। अब देखते हैं फाइनल स्टेट की कंडीशन, फाइनल स्टेट की कंडीशन क्या होगी दोस्तों,
देखिए यहाँ पे अगर ए रीड करें और एक मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ तो क्या हमें सही मिलेगा, हमें मिलेगा बी ए बी ए। दोस्तों बी ए बी ए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ए से हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी ए बी से, ये ए बी ए से मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लूप नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ए को हमें ऐसी जगह पहुँचाना जहाँ से हमें सही स्ट्रिंग मिल सके, जैसे कि हम इसको अगर इनिशियल स्टेज पे पहुँचा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो दोस्तों फाइनल यानी कि एंडिंग विद हमें बी ए बी से मिल रहा है, वही हमें चाहिए था, इसका मतलब ये सही है। अब दोस्तों अब आती है बी की बारी, ए का हमने कर लिया, अब देखिए बी के लिए क्या करें, बी को अगर मैं यहीं पे लूप लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, हमें मिलेगा बी ए बी ए बी ए बी ए। दोस्तों ए बी ए से एंड हो रही है हमारी स्ट्रिंग, हमें चाहिए बी ए बी से, तो यहाँ पे बी ए बी बी का भी यहाँ पे लूप नहीं लगाएंगे। अब देखिए बी को अगर हम क्यू वन स्टेट पे ले जाते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, इसको भी देखते हैं, हमें मिलेगा बी ए बी बी ए बी, और दोस्तों यही तो हमें चाहिए था, इसलिए हमारा डिसीजन ये बिल्कुल ही सही है। तो बी को हम पहुँचा देंगे क्यू वन स्टेट पर। तो दोस्तों ये तो थी हमारी बी ए बी से एंडिंग विद डी एफ ए। अब बनाते हैं एन एफ ए, एन एफ ए बहुत ईजी होता है, इसी पैटर्न पर बनाएंगे एन एफ ए। इसमें क्या होता है कि एक बार हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए उससे आगे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए बी ए बी के लिए मशीन बनाएंगे, सबसे पहले क्यू नॉट पर अगर बी रीड करेंगे तो हम जाएंगे क्यू वन स्टेट पर, और दोस्तों क्यू वन पर अगर हम ए रीड करेंगे तो हम जाएंगे क्यू टू स्टेट पर, और क्यू टू स्टेट पर अगर हम बी रीड करेंगे तो हम जाएंगे क्यू थ्री स्टेट पर, और दोस्तों क्यू थ्री स्टेट यहाँ पे फाइनल होने वाली है। ये बन गई मशीन। दोस्तों हमें एक बार बी ए बी मिल गया, इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि एन एफ ए में इतना ही चाहिए हमें, बस ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार बी ए बी मिल गया, उससे पहले बी ए बी मिलने से पहले कुछ भी आए, ए आए बी आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए बी का लूप। दोस्तों बी ए बी से पहले ए आए बी आए कितनी भी बार, उससे हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये दोस्तों डी एफ ए एन एफ ए की मशीन हो जाएगी, ये आपका डी एफ ए हो जाएगा। देखिए डी एफ ए कितना हार्ड होता है बनाना और एन एफ ए कितना सॉफ्ट होता है, इसको हम इजीली बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि डी एफ ए के अंदर हम हर एक स्टेट पर ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं, और एन एफ ए में हर एक स्टेट पर ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये बहुत ईजी होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।